अगर लगाने वाला अच्छा नहीं मिला फिर तो आप कोई भी ब्रांड लगा लो, महंगे से महंगा लगा लो, डायनामिक भी लगा लो, अगर लगाने वाला बंदा बढ़िया नहीं है, उसे नहीं पता भाई गाड़ी को ट्यून कैसे करना है, तो कुछ भी लगा लो वो बेकार है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है किया की सेल्टॉस, 2023 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेट इंजन। इस गाड़ी में आज हमने लगाई है गवर्नमेंट अप्रूव्ड VS6 किट। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में CNG किट का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया है, किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ का लगे हैं, उसके बाद एक छोटी सी ड्राइव पे चलेंगे और देखेंगे कि गाड़ी हमारी CNG पे किस तरह से बिहेव कर रही है। तो ये हमारा सेल्टॉस का इंजन बे और आप देख सकते हैं इसमें हमने CNG किट इंस्टॉल की है। तो शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है, रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज लगा होता है, गेज का काम होता है जो स्विच होता है हमारा गाड़ी में CNG का उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट फिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है CNG सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। ये गाड़ी पेट्रोल पे 8 इंजेक्टर्स के साथ आती है, तो हम लोगों ने जो इसमें CNG का सेटअप किया है उसमें भी 8 इंजेक्टर्स का ही यूज़ किया है, मतलब कि पर सिलेंडर 2 इंजेक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं CNG के भी। तो ये तो वो है हमारे इंजेक्टर रेल्स। पीछे की तरफ आ जाएँ तो ये हमारा ECMS CNG सिस्टम का, जितने भी कॉम्पोनेंट्स हमारी गाड़ी में CNG के इंस्टॉल होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। ये जो ECM है इस गाड़ी में लगा वो 8 इंजेक्टर्स को हैंडल करने के लिए सेल्फ सफिशेंट है, मतलब कि बहुत सी गाड़ियों में आपने देखा होगा जिनमें हम 8 इंजेक्टर का सेटअप करते हैं उनमें 2 हमारे ECM यूज़ होते हैं, एक हमारा किट का होता है और एक हमारा अलग से 8 इंजेक्टर डिवाइस लगता है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक सिंगल ही डिवाइस है, एक सिंगल ECM है जो कि गाड़ी के 8 इंजेक्टर्स को हैंडल करता है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए हमारी CNG किट के। उसके अलावा जो हमने इस गाड़ी में एड ऑन्स किए हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें हमने लगाया ये CNG फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ को इंजन ब्लॉक में जाने से रोकना। वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपरली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है ताकि वायरिंग के चलते फ्यूचर में किसी भी तरह का फॉल्ट गाड़ी में ना आए। इधर आ जाए तो ये लगा है हमारा डायनामिक एडवांसर। इस गाड़ी में डायनामिक एडवांसर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायनामिक एडवांसर लगने के बाद इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है CNG पे बहुत शानदार निकल के आती है। अगर आप इसमें डायनामिक एडवांसर नहीं लगाएंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी, मतलब आपको महसूस होगा कि हाँ गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है और गाड़ी आपकी CNG पे चल रही है, मगर डायनामिक लगने के बाद गाड़ी एकदम एज गुड एज पेट्रोल चलती है। एक चीज़ और, जैसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं उनकी गाड़ी में CNG किट लगी होती है, सेल्टॉस ही हो गई या कैरेंस या वरना हो गई, उनकी गाड़ी में प्रॉपर 8 इंजेक्टर सेटअप होता है, डायनामिक एडवांसर वगैरह सब कुछ लगा होता है, मगर वो गाड़ी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते, गाड़ी उनकी बहुत दबी दबी चल रही होती है, झटके मार रही होती है। तो देखिए होता क्या है, ये सारा सेटअप तो आपने कर लिया, डायनामिक एडवांसर भी आपने गाड़ी में लगा दिया, मगर अगर इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से ट्यून ना किया जाए, अच्छे से कैलिब्रेट ना किया जाए, तो ये सब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप डायनामिक एडवांसर लगाओ, चाहे 8 इंजेक्टर सेटअप करो या कुछ भी XYZ आप इसमें एड ऑन्स कर लो, अगर गाड़ी की ट्यूनिंग ठीक से नहीं होगी तो ये सब चीज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमेशा जब भी कहीं से भी CNG लगवाएं, देखिए ये सब पार्ट्स जो है ना हर CNG वेंडर के पास, ये डायनामिक एडवांसर, ये 8 इंजेक्टर वाली किट सब वेंडर्स के पास अवेलेबल है, मगर द थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों को प्लेस किस तरह से किया है और इन सब की प्लेसमेंट के बाद इन सब चीज़ों को आपस में कैलिब्रेट कैसे किया है, ट्यून कैसे किया है, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया हमारा डायनामिक एडवांसर, ये सारा सेटअप हो गया। इस गाड़ी में हमने जितने भी कनेक्शंस किए हैं सब सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं क्योंकि कपलर्स वक्त से ढीले पड़ जाते हैं, फिर गाड़ी में मिसिंग और जग्स के इशू आने लग जाते हैं। जग्स पेट्रोल पे भी आ सकते हैं और CNG पे भी, किसी पे भी आ सकते हैं, जिस तरफ का कपलर ढीला हो जाएगा गर्म हो के उस तरफ के जो है गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कपलर्स यूज़ करना। इससे बढ़िया सोल्डरिंग करना बेहतर है क्योंकि सोल्डरिंग से क्या है आपका लाइफ लॉन्ग जो है वो सिक्योर हो जाता है, कनेक्शंस कहीं नहीं हिलते, करंट का फ्लो हमेशा एकदम परफेक्ट बरकरार रहता है। तो सारा हमने सोल्डरिंग किया है और कूलेंट कनेक्शन भी हमने इस गाड़ी में अवॉइड किए हैं क्योंकि ये गाड़ी लोकल में यूज़ होती है, कूलेंट कनेक्शन से हमारे रिड्यूसर की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका रन जो है ज़्यादा हाईवे का नहीं है सर्दियों के दौरान तो कूलेंट कनेक्शन को अवॉइड करें, और अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं, ठंडे रीजन में रहते हैं, जैसे दिल्ली का आउटर एरिया हो गया या आपका हरियाणा का आउटर, पंजाब का आउटर एरिया हो गया, वहाँ पर जहाँ लंबी ठंड पड़ती है तो आप कूलेंट कनेक्शन कराएं, वहाँ आपको फ़ायदा देगा, मगर अगर आप दिल्ली NCR में आपकी गाड़ी यूज़ होती है तो कूलेंट कनेक्शन को अवॉइड करें। तो ये तो हो गया हमारा पूरा सेटअप, आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस है, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी टांग दिया, हर चीज़ प्रॉपर
सिक्योर मैनर में हमने लगाई है। एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ कि सेल्टोस में कितना लगेज एरिया मिलता है हमें सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये हमारा सेल्टोस का बूट स्पेस और आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिलता है। ये जो सिलेंडर है इसमें लगा है 12 किलो का और स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है और साथ में इसके डक्टिंग भी है। इफ इन गेस सिलेंडर में ओवरफिलिंग हो जाती है तो इस डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाएगी और आपको गैस की स्मेल नहीं आएगी और स्टेपनी हमारी अपनी ही जगह पे रहती है। तो ये तो हो गया हमारा लगेज एरिया और अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि सेल्टोस हमारी कैसा बिहेव करती है। सो गाड़ी हमारी इस टाइम है सीएनजी पे और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमारी गाड़ी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिना एक्सेलरेटर दिए सिर्फ मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और गाड़ी ने हमारा मूव करना स्टार्ट कर दिया है। ये रिव्यू अगर गाड़ी के ओनर देते तो ज़्यादा मज़ा आता, बट वो थोड़े कैमरा शाई हैं, पीछे बैठे हैं, मगर वो कह रहे हैं भैया आप ही बना लो। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर स्मूथ रिस्पॉन्स है गाड़ी का, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि गाड़ी हमारी सीएनजी पे चल रही हो। तीन जने हम गाड़ी में हैं, एसी हमारा ऑन है, गाड़ी हमारी सीएनजी पे है और गाड़ी एकदम फ्लॉलेस परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी एफर्ट ले रही हो या स्ट्रगल कर रही हो चलने में। प्रॉपर जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं गाड़ी को गियर्स शिफ्टिंग की, ऐसा नहीं है कि भाई पहले पे करके गाड़ी को उठाना पड़ रहा है। खैर अभी तो हम रुक गए थे तो पहले पे उठाना पड़ेगा, मगर जैसे नॉर्मली पेट्रोल पे गियर शिफ्टिंग होती है हमारी सेकेंड थर्ड, आराम से गाड़ी गियर लेती चली जा रही है, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही गाड़ी की। भाई सीएनजी लग गई है तो गाड़ी दबी दबी चल रही है, परफॉर्म नहीं कर रही, आराम से उठ रही है गाड़ी। देखिए मेन सारा वही फंडा है, अगर गाड़ी की ट्यूनिंग सही है तो गाड़ी आराम से चलेगी, कोई स्ट्रगल नहीं करेगी, एकदम एफर्टलेस चलेगी और पैसा तो बचेगा ही, बट ऑब्वियसली बात है। अब देखिए मैं चौथे गियर पे हूँ, गाड़ी की स्पीड 40 है और गाड़ी आराम से बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा हो या गाड़ी लोड ले रही हो, परेशान कर रही हो, झटके दे रही हो, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी अपनी जैसे फ्लो मोमेंटम बन जाता है उसके हिसाब से आराम से चलती चली जा रही है। तो बहुत से लोगों का डाउट रहता है यार कौन सी किट लगाऊँ तो मेरी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो देखिए जिस भी किट का जिस भी ब्रांड का अप्रूवल है आप आराम से टेंशन फ्री अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये ब्रांड लगाऊंगा तो ही गाड़ी अच्छी चलेगी, ये नहीं लगा तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। अगर लगाने वाला अच्छा नहीं मिला फिर तो आप कोई भी ब्रांड लगा लो, महंगे से महंगा लगा लो, डायनामिक भी लगा लो, अगर लगाने वाला बंदा बढ़िया नहीं है, उसे नहीं पता भाई गाड़ी को ट्यून कैसे करना है, तो कुछ भी लगा लो वो बेकार है। अब देख लो मैं चौथे गियर पर चल रहा हूँ और गाड़ी की स्पीड 30-31 है, आराम से गाड़ी चल रही है, आराम से बढ़ती चली जा रही है स्पीड, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही, कोई एफर्ट या परेशानी इस गाड़ी में फील नहीं हो रही है। तो टेंशन फ्री आप लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जैसे भैया का जिनकी ये गाड़ी उनका भी कहना ये है भाई कि सीएनजी लगाओ पैसा बचाओ, कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी को घर के नीचे खड़ा करके, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी है, 2023 का मॉडल है, उन्होंने हमेशा से सीएनजी गाड़ी यूज़ की है, तो वो कहते हैं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट गाड़ी की हम वैल्यू को तो यूज़ कर सकते हैं जितने की हमने गाड़ी खरीदी है, उसे घर के नीचे खड़े रखो, इंश्योरेंस देते रहो और उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहो, कोई फ़ायदा थोड़ी ना ऐसे गाड़ी रखने का, इट्स बेटर सीएनजी लगाओ चलाओ अपना बिना सोचे समझे। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। जब भी आप कहीं से भी सीएनजी लगवाएं इस चीज़ का ख्याल रखें कि ब्रांड की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस ना हो कि भाई कौन सा ब्रांड लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स के अप्रूवल्स हैं वो बहुत सारी टेस्टिंग होने के बाद भी अप्रूवल गाड़ी को मिलता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर किट इस गाड़ी के लिए सूटेबल है। तो आप टेंशन फ्री आप अपनी गाड़ी में किट लगवा सकते हो, बस आपको ढूंढना है एक अच्छा इंस्टॉलर, एक अच्छा ट्यूनर जो गाड़ी के इन एंड आउट्स को जानता हो, उसको पता हो कि यार हाँ इस गाड़ी का ये पोटेंशियल है, ये गाड़ी पेट्रोल पे ऐसी चलती है तो सीएनजी पे ऐसी चलेगी, उसको पता हो कि मुझे ट्यूनिंग को किस लेवल पे लेके जाना है कि गाड़ी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर सके। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।